सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिवदाहा 63। दोस्तों थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि बिहार बोर्ड ने इंटर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कई यूट्यूबर जो फेक वीडियो बनाते हैं, न्यूज बनाते हैं, वे आपको 3-4 रोज पहले से ही तरह तरह की वीडियो बना कर के आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ डाउनलोड करो, यहाँ आओ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक की तरह बोर्ड ने इंटर वालों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है कि वे अपना एडमिट कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति दिखाने वाला हूँ, तो बने रहें मेरे वीडियो में। और जो लोग नए आए हैं और जो चाहते हैं कि सही और सटीक न्यूज़ बिहार बोर्ड के बारे में मिले, वे यदि नया है तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति क्या है, आप थंबनेल को देख लिए कि इंटर एडमिट कार्ड जारी किया, वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा, यही मैं बताने वाला हूँ। मैं बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति दैनिक हिंदुस्तान से मैंने लिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। जो मेन बात है, मैं सूचना तो बहुत बड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2020 दिनांक 3/2/2020 यानी 3 फरवरी से 13 फरवरी तक संचालित होगी। यह जानकारी आपको सभी को मालूम है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट bsab.inter.edu.in पर दिनांक 14/1/2020 से अपलोड रहेगा। प्लस टू स्तर के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के वेबसाइट bsab.inter.edu.in पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत दिनांक 14/1/2020 से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से अपने हस्ताक्षर मोहर के साथ हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। तो आप जान ले, पहली बात तो ये कि ये वेबसाइट आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे भी तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है ही नहीं, आप डाउनलोड कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको पहले की तरह, जैसा कि पहले से होता आया है, कि आपको अपने विद्यालय कॉलेज जानी है और वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। जैसा कि मैट्रिक में या बोर्ड ने व्यवस्था की है अभी कि उनका वे भी अपना डाउनलोड कर पा रहे हैं, इंटर वालों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि कई यूट्यूबर न्यूज़ डाल करके आप सबको दिग्भ्रमित किए हुए हैं। तो मेन बात यही है कि आपको स्कूल कॉलेज जाना है और वहाँ जा कर के जो हस्ताक्षर और मुहर के साथ वो देंगे एडमिट कार्ड, वहीं आपको पता चलेगा कि एडमिट कार्ड और आपका सेंटर कहाँ है। तो और भी बहुत सारी जानकारी इसमें है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, केवल यही एकमात्र जानकारी है कि आपको स्कूल कॉलेज जाना है। आज 15 तारीख हो गया, तो कल से आप अपना स्कूल कॉलेज जाएं और वहाँ से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करें। तो बने रहें ऐसे ही इस विश्वसनीय न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।